जनपद फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो शातिर अपराधियों को पकड़ा है, जिनमें से एक के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि थाना नारकी पुलिस बचगांव क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी अचानक दो बदमाश अपाचे पर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अपाचे बाइक सवार वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश को लगी। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। बदमाश कन्नौज में 25,000 रुपए का इनामी बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र ने घायल बदमाश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस से मुठभेड़ हुई और कौन था ये? थाना नारकी की पुलिस बचगांव चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान दो व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से चौराहे की तरफ आते दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोका, वो लोग रुकने के बजाय और तेज़ी से अपोजिट दिशा में जेल की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और 2.5 किलोमीटर आगे पीछा करके जाके उनको इंटरसेप्ट किया। उन्होंने पुलिस से फायर करना शुरू कर दिया, जवाब में पुलिस ने भी फायर किया और एक बदमाश के गोली लग गई। सर, उन पर क्या चीज़ बरामद, क्या फॉर्म बरामद हुआ है? उस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके मौके पे यहाँ लेके आए हैं अभी उसके जीवन रक्षा के लिए। और मौके पे एक पिस्टल 32 बोर और एक बाइक अपाचे बरामद हुई। सर, किस तरह का इनामी बदमाश है क्या ये? प्राथमिक सूचना के अनुसार कन्नौज से 25,000 का इनामिया बताया जाता है। इस पर 7-8 मुकदमे अभी पता चले हैं और हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। भागे हुए अपराधी की भी तलाश करते हैं।